नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करमीर में। आज हम चर्चा करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से आप MA हिंदी में करना चाहते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा उसके बारे में। इस कोर्स का जो कोड रहेगा वो MA HD, तो इसके कोर्स के जो उद्देश्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रवेश प्राप्त विषय में सघन ज्ञानार्जन एवं भावी विशेषज्ञता का संधान, हिंदी काव्य काव्यास्त्र गद्य समालोचना की प्रमुख परिस्थितियों से अंतर्गताओं और उसके आधार पर व्यवहार्य साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में दक्षता का निर्धारण, नाटक एवं कथेतर गद्य विधाएं, कथा साहित्य व कथा विज्ञान के संबंध में दक्षता का निर्धारण, उच्च शिक्षा में बेहतर संभावनाओं की तलाश और उसके आधार पर शिक्षक शोधकर्ता तथा लेखक के रूप में उपयोगी भूमिका का निर्वाह, जनसंचार माध्यम व पत्रकारिता तथा लोक साहित्य के स्वरूप प्रवृत्तियों से अंतर्गतत्व का निर्धारण, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा दक्षता के आधार पर सफलता का सूत्रपात, प्रवेश योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। यदि आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से MA में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जो स्नातक की मार्कशीट चाहिए वो इंटरनेट वाली मान्य नहीं है, आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड करके आपको लगानी होती है। इस बात का ध्यान रहे, वो इसकी जो अवधि है न्यूनतम 2 वर्ष अधिकतम 6 वर्ष, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी, आप अधिकतम 6 वर्ष में इसे आप डिग्री को हासिल कर सकते हैं। जो इस का माध्यम विषय जो MA इन हिंदी है तो हिंदी रहेगा। और जो शुल्क की बात करते हैं हम, प्री का 4700 और फाइनल में चार्ज 850 रुपये। MA पूर्वार्ध में कुल 4 पेपर होंगे जबकि जो फाइनल में कुल 5 पेपर होंगे। अब सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, जो प्री का जो सिलेबस है, जो फर्स्ट पेपर प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, दूसरा पेपर आधुनिक काव्य, तीसरा पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास और चौथा जो पेपर होगा काव्यास्त्र एवं समालोचना, ये जो प्री का सिलेबस है। अब फाइनल के सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहला पेपर नाटक और कथेतर गद्य विधाएँ, अगला कथा साहित्य, भाषा विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता और गीत परंपरा। अब ये तो 4 पेपर होंगे, उसके अलावा एक नीचे दिए गए ये 2 पेपर है इनमें से आप किसी एक का चुनाव करना, एक लोक साहित्य है, दूसरा जन संचार माध्यम और पत्रकारिता। इन 2 पेपर में से आपको किसी एक पेपर का चुनाव करना जो आपको रुचिकर लगे। परीक्षा पद्धति की हम बात करते हैं तो प्रत्येक जो पाठ्यक्रम जो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए एक सत्रीय गृह कार्य होता है वो 20 अंकों का रहेगा। और ये जो सत्रीय गृह कार्य आपको एग्जाम से पूर्व निर्धारित तिथि तक आपको रीजनल सेंटर पर जमा करना होता है। यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लेते हो तो अगले जून में आपके एग्जाम होंगे, उससे पहले 15 मई तक आपको असाइनमेंट जमा करना होगा। यदि आप जनवरी सत्र में आप एडमिशन लेते हैं तो अगले दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी, और दिसंबर से पहले जो 15 नवंबर होता है तब तक आपको ये असाइनमेंट रीजनल सेंटर पर जमा करना होता है। और सत्रांत या मुख्य जो परीक्षा होती है वो 1 वर्ष के बाद होती है, और जो प्रत्येक जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। और इसमें परीक्षा के लिए अधिकतम अंक जो 80 निर्धारित है, और प्रत्येक प्रश्न पत्र में से दोनों भागों अर्थात सत्रांत परीक्षा एवं सत्रीय गृह कार्य, तो जो इसमें जो पेपर होता है वो 80 नंबर का, और जो 20 नंबर होते हैं वो आपके असाइनमेंट्स के जो सत्रीय कार्य के, तो इस तरीके से जो पेपर है वो 100 अंक का हो जाता है। तो ये मेन जानकारी थी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी यानी हिंदी में स्नातकोत्तर की। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।